पंजाब सरकार, माड़ी सरकार, दलित विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, पंजाब सरकार, खड़े करके नारे लाने ने सारे नूं। भाई मैट से मोबाइल च ना बैठो, अपना मैटा से बैठो जिम्मे बैठे हो। पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, पंजाब सरकार, पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस। भाई जी यह किसी को शौक नहीं है सानू उरे धरने लाने का, अपना संघ पाड़न का मजबूरी करके बैठे हैं उरे। जे प्रशासन नशियां कर रहे ने, सानू की लोड़ सी उरे सड़क ते आके धरना लाण दी? ये मजबूरियां ने, कोई शौक नहीं है, कोई असी राजनीति मंच नहीं होर नहीं। साडे भरा पहुंचे ने, बीजेपी आगू ने उरे इलैक्शन मुहिम च आए हुए ने धूरी, इन्हां नूं दुख लगे ये फिर भी समाज की उरे गल करन उरे पहुंचे ने। सानू तो वह बंदा चंगा लगता जो साडे समाज के मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़िया जी। साडे वीर लाडी जी शिक्षण सूत जी पहुंचे ने, तो सारयां नूं बेनती करांगे भी नारे का जवाब नारे च पंजाब सरकार, पंजाब सरकार, गूंगी वैरी सरकार, गूंगी वैरी सरकार, गुंडा करदी, गुंडा करदी, गुंडा करदी, बाबा साहब तेरी सोच ते, बाबा साहब तेरी सोच ते, दोषियों नूं गिरफ्तार करो, सारा एक प्लान बना के फिर जो कारवाई है सारा FIR उन्होंने थाने जो उन्होंने सारा एक प्लान बना के फिर जो कार्रवाई है सारा समाज है। इस करके असं उरे बैठे हाँ, जे सानू इंसाफ प्रशासन ने दिता होंदा तां सानू सड़कां साढ़े पिछले दिन जी धूरी लवे नेड़े पिंड जिमें खेड़ी जट्टा जी राजो माजरा पसौड़ इत्थे साढ़े एस सी भाईचारे गरीब परिवारों नाल धक्का होया जी। उन्होंने जानों मारन का हालात तक पी जी आई तो वापस मुड़ के आए हैं। पिंड पसौड़ के मुंडा जी दीपू सूरज उन्होंने 25-30 बंदयां ने गंडासे लेके बरछे लेके सरेआम हमला किया, हड्डियां तक वढ़तियां, सिर की हड्डी तक बनती, परचा दर्ज होए उन्हों बंदयां ते 10-12 दिन हो गए। वह बंदे सरेआम पिंड दे विच धमकियां दिंदे हथियार लई सरेआम घूम रहे ने। पिंड राजो माजरा जी एक बजुर्ग है जी साढ़े एस सी भाईचारे का, उहदा ढिड इत्थे घट्टो घट्ट 30 टांके लगे ने, सिर की हड्डी क्रैक है जी, दंद तोड़ते उन्होंने जाति जूजक शब्द बोले जी, बंदे ने कुटिया जिसने उन्हें घट्टो घट्ट पहला भी 4-5 SC जिहड़े सीरी ने उन्हां नाल उहदा मैटर चलता, होर भी पिंड च उन्हें बड़े दुखी करे हुए ने। पुलिस ने उहदे उपर अज कह रहे ने सानू भी असीं परचे, जदकि उहदे 307 ते SC एक्ट बनता, कहिंदे जी असीं बंदा अरैसट कर लिया, इन्ने दिनों तक बंदा अरैसट नहीं करिया, परचा भी उह लाता, कोई सानू ऐ नहीं भी जिहड़ा नाम का परचा करता। खेड़ी जट्टा वो बंदयां ते SC एड का परचा दर्ज होया, सरेआम घूम रहे ने, जिन्होंने SC कमीशन तक नूं धमकियां देतियां भी जे तू संगरूर दे विच आया असीं तुहानूं जानों मार देवांगे। जदों उरे इक संविधानिक उहदे ते पोस्ट ते बंदा सेफ नहीं हैगा जी, उहनूं भी जात पात का झलना पैंदा, साडे वर्गे बंदे कित्थों सेफ ने जी। असीं उरे बैठे हाँ जी, जद तक पुलिस उहनां नूं अरैसट नहीं करदी, गिरफ्तार नहीं करदी, असीं इह थोड़दे नहीं, इह धरना चलूगा जी खुल्ला जद तक उह बंदे अरैसट नहीं हुंदे जी। सरकार तो निकम्मी सरकार है जी, पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर भंग होया वै जी, सरेआम गैंगस्टर घूम रहे ने, धमकियां दे रहे ने, सरेआम गोलियां चल रही ने गंडासे, तुसीं देखो जिदन की सरकार आई है पंजाब दे विच क्राइम कितना वध गया जी, प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं हैगा जी, गुंडे सरेआम बदमाशियां कर रहे हैं, लत्तां बाहां तोड़ के गोलियां मार के सरेआम घूम रहे ने जी, बाजारां च गोलियां चल रही ने। ये जिहड़े पिंडां दे विच गरीब लोगों नाल धक्का हो रहा, उन्हां नूं कुट्टिया मारिया जा रहा, उन्होंने गालां कढ़े जा रहे, जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं, जिहड़ी पंजाब पुलिस है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करती, इस करके उहदे विरुद्ध जे धरना लाया गया। साडी सरकार अगे यही बेनती है कि उन्होंने जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार करे। ये कुछ थाना सदर धूरी नाल संबंधित यह क्रिमिनल केसिस के मैटर ने जो कि अंडर इनवैसटीगेशन ने, सिटी धूरी नाल कोई संबंध नहीं इन्हों का, जो DSP साहब तो SHO सदर धूरी के ध्यान लिया दिता गया, उन्होंने आश्वासन है भी जल्दी इन्हों की जो भी मंग है उसदे दौरान इनवैसटीगेशन पूरी की जाएगी।